मोतसिब मोदी सरकार ने एक कॉलेज में सबसिलाली परचम लहराने के जुर्म में 30 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत करेला के सोलवर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में तलबा यूनियन के इंतबात के मौके पर चंद पुरजोश नौजवानों ने एक नहायत बड़ा पाकिस्तानी परचम फिजा में लहरा दिया और शदीद नारेबाजी की। अकलियतों के लिए गैर महफूज भारत के पुरतशद्दत और नफरत आमेज माहौल में अमन के हक में नारे, मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती और पाकिस्तानी परचम लहराने पर इंतजामिया में कलबली मच गई और बीजेपी की मकामी क़यादत भारतीय झंडा लेकर कॉलेज पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी की मकामी क़यादत की आमद और शदीद दबाव के बावजूद करेला के बहादुर नौजवानों ने नारेबाजी ना रुकी तो इख्तदार और ताकत के नशे में चोर बीजेपी रहनुमाओं ने पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस ने नौजवानों को मुंतशिर करके पाकिस्तानी परचम को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि पीजीपी की मकामी क़यादत के दबाव पर 30 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।